Okay. So this is the problem I have already written to save our time. Already we have to find maximum acceleration and also what is the distance covered between 0.75 r to 1 r. That is what they are asking. This is kilometer per hour and this is r. No need to change any units. No need to change any units because it is perfect. So I want to know one thing. Can I say there are three acceleration? One is A1, other is A2, and third is A3. A3 is not acceleration, but it is negative acceleration. तो इसमें जो है तीन की जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उसका आंसर पूछा कि पूरी जर्नी में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे था. तो मुझे कोई बताएगा ये कौन सा डायग्राम है, नाम क्या है इस डायग्राम का? द गिवन डायग्राम इज विच डायग्राम, द गिवन ग्राफ इज विच? बोलो. सर वेलोसिटी टाइम डायग्राम. इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एक मिनट मैं मेरे को पिन कर देता हूं. How to pin? I do not know. A velocity time graph. It is nothing but velocity time graph. Tell me, velocity time graph ka kaun sa part acceleration deta hai? What is that thing which gives acceleration in a particular part? Slope. That is right. Slope of VT diagram gives Yes, now it's done. Okay. So, slope of VT diagram gives acceleration. Okay. Now there are actually slope. किसी line का निकलने तो what is that angle which gives slope? Tell me. The tan. Huh? Tan. So let's say this is theta 1. This is theta 2. And this is theta 3. Can you tell me A1? Can I say A1 will be equal to tan theta 1? जीतू आर यू फॉलोइंग? स्लोप निकलना yes. आता है स्लोप. हाँ तो पहले A1 एक्सेलरेशन 1 इज tan थीटा 1. tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट कितना है? इतना हाइट का अपोजिट कैन आई से इज 0.5. यस अपोजिट कैन आई से इज 0.5. सर इज इट 20? ना इट इज नॉट 0.5. जीतू अपोजिट साइड ये है और ये 20 है और ये एडजेसेंट साइड है तो 20 अपॉन 0.5 that is equal to 40. What is the unit of acceleration? Sir, kilometer per hour square. My God, superb, superb. Afif, lovely answer. I liked it. A1, what about A2? A2 is 10 theta 2. 10 theta 2. मुझे Afif का answer नहीं चाहिए अब. अब मुझे कोई दूसरा student बोलेगा. Sir, और 60 और upon 1. Yeah? 60 okay. upon 1. No, sir. Point one is wrong, beta, wrong. देखो मैं आपको आइडिया देता हूँ. This is nothing but y. Tan theta 2 में this height is y and this height is x. This width is x. So tell me tan theta 2 will be क्या लेंगे y upon x. And y कितना है? Y का वैल्यू बोलो. देखो मैंने एकदम सिंपल सिंपलीफाई कर दिया है. So, vice value is 60. No, not 60. देखो यहाँ से यहाँ तक 60 है. Can you see? ये इतना 60 है. यहाँ से यहाँ तक. तो y थोड़ी 60 है. y तो खाली इतना है. अफीफ को छोड़ के बोलेगा कोई भी. विधि विधि. Sir, 40. 60 minus 20. Yeah, that's right. Very good. 40. देखो मैंने ना मैं क्या चाहता हूँ मतलब मेरा सिखाने का मेथड क्या है? I go on answering, you go on copying से डेवलपमेंट नहीं होगा आपका. आपको पार्टिसिपेट करना होगा. रॉन्ग आंसर दोगे चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 40 एंड व्हाट अबाउट x? x कितना होगा? 0.75 होगा कि 1 होगा? x कितना होगा? 0.75 या 1?
या कुछ और? नहीं यार अभी रुक जा, कितना होगा? 0.75. That's wrong. और That's wrong. और क्या? अच्छा मुझे इतना बताओ, यहां से यहां तक की दूरी सपोज 50 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी सपोज 20 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? यह दूरी कितनी होगी बोलो? 50 प्लस 70 मीटर. ये 20 मीटर है और ये 50 मीटर है. आई वॉन्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 50, तो यहां से यहां तक कितना? 20 माइनस 50 30 50 माइनस 20 बोलना. 50 माइनस 20 बोलना बेटर. बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यहां पर क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस एक्स? So, 1 minus 0.75. That is right. I wanted that, yaar. You truly bolte ho. That is 40 upon 0.25. That is equal to 160 km/h². और फिर आया A3. Tan theta 3. BB को opposite side कितनी है? Opposite side कितनी है? इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड की हाइट कितनी है? इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द हाइट? दिस इज अपोजिट साइड एंड दिस इज एडजेसेंट साइड. व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस अपोजिट साइड? सर 40. और कोई आंसर? सर कैन आई आस्क? नो 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 नॉट यू. और कोई आंसर? 60. 60 इज द राइट आंसर. कौन बोला? कौन बोला? आवाज किसकी थी? मास. लवली आंसर, आई अप्रिशिएट. और मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? यहां से यहां तक कैन आई से इट इज 2? नो सर, 1. सर 1. 2 माइनस 1 मे बी 1. मैं ना प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि तुम लोग है ना, इट इज माइनस एक्चुअली. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन equal to 160 km. इतना कॉपी करो. मैं इसके ऊपर एक प्रॉब्लम पूछने वाला हूँ. अभी टेस्ट होगा ना संडे को, लेट मी टेक टेस्ट ऑफ दिस. और ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम दूंगा. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग दिमाग लगाते हैं और आंसर देते हैं. यू कैनॉट प्रिपेयर दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और वहां पे आपको सॉल्व करना है. I am going to take test on motion in plane because it will come in NEET, JEE, 12th standard, 11th standard, sab jagah hi aane wala hai. Mujhe ek cheez achhi lag rahi hai, Jeetu ki bahut acha lagta hai mere ko Jeetu, because he is answering, he is attempting. What I like about him is maybe right wrong is immaterial. Aap attempt kar rahe hain, wo important hai. ये कॉपी किया इतना तो मिटाऊं इसको, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड हमें अभी करना बाकी है. इसे मिटा दूं? प्यारे बच्चों, ओके ये मत लिखना ये. मास, दैट वाज अ गुड आंसर बाय यू. बोलो मिटाई दो. यस सर. ओके नाउ मुझे बताओ, ये लोग को डिस्टेंस ये फ्रॉम 0.75 टू 1 आवर बिटवीन दिस टू दिस टाइम, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड आई डू? डिस्टेंस कवर्ड from 0.75 to 1 hour will be equal to what? Anybody can tell me what should I do? Area, sorry, what of VT diagram gives distance?
फिफ्थ नहीं बोलेगा. विधि विधि प्रिशा सर एरिया ऑफ वीटी डायग्राम. दैट इज राइट, दैट इज राइट, इक्वल टू एरिया. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. भर्गेश 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 बोलना जो तुम भी बोलो, बिंदास बोलो. अभी तो तुमको ये तुम्हारे सामने हुआ था एरिया ऑफ वीटी डायग्राम गिव्स डिस्टेंस. बोलना चालू रखो तुम भी. डोंट वरी व्हाट अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू. बिल्कुल चिंता मत करो. दैट इज दैट मींस एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. हाँ, कैसे निकालो एरिया? ये कैन आई से दिस एरिया इज अ सर्कल, दिस पर्टिकुलर फिगर इज अ सर्कल. कैन आई से इट इज अ सर्कल? यस और नो बोलो ना यार, ये सर्कल है ना? अरे ये सर्कल है ना? हाँ यार, ना बोलो ना, कुछ तो बोलो कि सर सर्कल नहीं है. हाँ तो बोलो ना सर. नो सर. व्हाट इज दिस? व्हाट इट इज? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल तो है चार साइड का, लेकिन स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है. उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दो साइड पैरेलल है. अच्छा, इसका नाम क्या है? तुमने स्कूल में किया होगा यार, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये नहीं सुना है? फर्स्ट टाइम सुना ट्रेपेजियम? सुना है कि नहीं? तुम जान निकाल लेते हो यार, टीचर की जान निकाल लेते हो, बोलते ही नहीं हो यार. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? सम ऑफ द पैरेलल साइड्स अपॉन टू. बिल्कुल एकदम बच्चे वाली चीजें बतानी पड़ती है. मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. इन दिस केस ये पैरेलल साइड कितनी है? हाँ जरा बताओ इसका एरिया. अभी मैं नहीं निकालूंगा, अभी तुम लोग निकालो इसका एरिया. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग को आता है. तुम लोग जान मत निकालो, बोलो रॉन्ग बोलो यार, चलेगा. मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बोलो बोलो बोलो. चलो इतना और हेल्प करता हूं मैं. अच्छा मुझे बताओ, ये कितनी हाइट है और ये कितनी हाइट है ये डायग्राम की? ये कितना ही है? ये यहां से आता कितना है सर? 0.25. हाँ, ये हाइट कितनी है? 20. ये हाइट कितनी है? 60. तो फिर हो गया ना यार. वेरी गुड प्रिशा, आई लाइक योर स्पीच. प्रिशा फाइनली बोली, लेकिन सही बोली. वेरी नाइस प्रिशा. तो विधि. हाँ विधि क्या होती है? ओके, आई थॉट प्रिशा ने बोला. ओके गुड विधि. तो 90 मीटर. हाँ क्या? 90. आई डिडंट गेट यू. व्हाट? तो 90 मीटर. समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो. 60 प्लस 20 80 80 अपॉन 2 40 40 इनटू 0.25 10 किलोमीटर डिस्टेंस. डिस्टेंस ट्रेवल इज 10 किलोमीटर्स. इसको मिटा दूं? Yes. ये तो ये है 20 है, ये है 60 है, दिखता है यार साफ साफ. ये दिस डिस्टेंस इज 1 माइनस 0.75 0.25. आई एक्सपेक्ट दिस आंसर टू कम फ्रॉम ऑल ऑफ यू. मिटाऊं क्या? ओ बच्चे लोग. Yes.
ओके इसके बाद अगला प्रॉब्लम लिखो A car traveling at 72 km per hour. A car traveling at 72 km per hour has its velocity reduced to 36 km per hour in 5 seconds. कितने time में 5 seconds में. If the retardation is uniform. रिटार्डेशन रिटार्डेशन है माइनस है सर रिपीट क्या क्या सर रिपीट वंस अगेन हाँ या राइट अ कार ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर हैज इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड इफ द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म Find the distance it covers in 5 seconds. And then, how much further would it travel before coming to rest? मैं problem बताऊंगा, then I'm going to ask you what the problem is. So then the problem I'm going to explain, I'm going to ask. Okay, let us understand. एक बार विधि गाड़ी चला रही थी. She was driving and जब उसने ब्रेक लगाया, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आ रही थी. Means 72 into 5 by 18, यानी 20 मीटर पर सेकंड. तो उसकी गाड़ी चल रही थी. फिर suddenly उसको कुछ उसने ब्रेक मारा, हल्के से हॉली से ब्रेक मारा और पता चला कि 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई 72 पे 36 है 20 का 10 ऑलराइट तो सबसे पहले पूछते हैं कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स लिख देता हूं चलो एस एस कंफ्यूज हो जाता है x1 कितना अब उसने ब्रेक तो मारा हुआ है तो अल्टीमेटली टेल मी व्हाट विल हैपन टू हर कार ब्रेक मारा हुआ है और धीरे-धीरे स्पीड कम हो रही है तो व्हाट विल हैपन टू हर कार बोलो कम टू रेस्ट मतलब बोलते हैं उसके बाद 5 सेकंड के बाद 10 तो एक्स टू कितने डिस्टेंस के बाद और कितने टाइम के बाद उसकी गाड़ी फाइनली इट विल कम टू रेस्ट दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी विधि यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम विधि देखो प्रॉब्लम एक बार फिर से विधि गाड़ी चला रही थी एट 20 मीटर पर सेकंड फिर उसने ब्रेक मारा 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कम होकर 10 मीटर पर सेकंड हो गई तो लोग बोलते कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 सेकंड में फिर उसने ब्रेक मारा हुआ था उसने वापस स्पीड नहीं बढ़ाई तो अल्टीमेटली गाड़ी को क्या आना पड़ेगा गाड़ी को रेस्ट पे आना पड़ेगा तो बोलते कितना डिस्टेंस फर्दर उसने ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट लेट एक्स टू बी द डिस्टेंस लेट एक्स वन बी द डिस्टेंस तो हम लोग मोशन फ्रॉम ए टू बी मोशन फ्रॉम वेयर टू वेयर ए टू बी मुझे बताओ क्या करूं बोलो क्या करूं एनीवन अप्लाई विच फॉर्मूला सर सर फर्स्ट वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन यूजिंग वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी देन लवली देन वी कैन फाइंड इट देन वी गेट द टाइम सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यस सर लवली आंसर एनी बेटर आंसर Anyone who can tell me other method or this is the best method? Burgess, आप थे शायद कि नहीं मालूम नहीं मुझे याद नहीं आ रहा No sir. Okay. Om, Vidhi, Prisha. अगर आप so alternate method. So alternate method u plus v upon 2 into t. Lovely answer. Beautiful answer. Jiddu. I really appreciate. सबसे बेस्ट मेथड ये है जब भी यू वी और टाइम दिया है ना तो सबसे एक ही झटके में आंसर आता है 20 अफीफ
You remember this method? Yes, sir. हाँ, इसको यूज कर लेगा बेटा. 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन टू 15, 15 पांच 75, 75 मीटर. आई होप दैट्स क्लियर. फर्स्ट पार्ट में जरूरत ही नहीं है, सेकेंड पार्ट में इट इज नॉट इजी क्योंकि x2 भी मालूम नहीं है, t2 भी मालूम नहीं है, उनको u और v मालूम है. सेकेंड पार्ट इज क्रिटिकल, दैट इज नॉट इजी. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? देखो इसमें करना पड़ेगा हमको क्वेश्चन फ्रॉम ए टू बी. ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. अगर ये पार्ट नहीं पूछा होता ना तो ए की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अभी सेकेंड पार्ट में ए लगेगा हमको. ओके, ए टू बी है, ए टू बी, आई एम टेकिंग ए टू बी नॉट सी. अभी तक गया नहीं वहां पे. बोलो वी कितना लिखू, टू राइट जीरो और नॉट? क्वेश्चन फ्रॉम ए टू बी, वी आई शुड राइट जीरो और नॉट? Motion from A to B, initial that things are at A and final things are at B. B में क्या लिखूं? A to B में B, find velocity. Sir, 10. हाँ, कितना लिखूं? Sir, 10 minus. और U कितना लिखूं? U? Sir, 20. 20. और समय कितना लिखूं? समय? क्योंकि विधि ने क्या मारा था? विधि ने क्या मारा था? ब्रेक मारा था. ब्रेक मारा था. ब्रेक भरने पे वेलोसिटी बढ़ती नहीं, घटती है. इट इज नॉट एक्सेलरेशन बट इट इज रिटार्डेशन. क्योंकि अभी क्या करूं, मुझे तो x टू b जरूरत है. क्वेश्चन फ्रॉम b टू c, अभी कोई मुझे बताओ अपना दिमाग लगा के, क्योंकि संडे को एग्जाम में आपको दिमाग लगाना होगा. आपको यू विल हैव टू पुट योर ब्रेन इनटू एक्शन, ब्रेन इनटू एक्शन. यू कैन ये वाला प्रॉब्लम के बदले कोई और सिचुएशन डालूंगा और बोलूंगा सोचो सोचो. बोलो देखो, a का वैल्यू विल रिमेन सेम बिकॉज दे सेड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. मतलब a विल रिमेन माइनस टू इधर भी. सर वी कैन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax. लवली आंसर प्रिशा, प्रिशा ब्यूटीफुल आंसर. प्रिशा कभी कभी बोल रही है लेकिन बहुत अच्छा बोल रही है. दिस इज द बेस्ट आंसर, दिस इज द बेस्ट आंसर, दिस इज द बेस्ट आंसर रियली. दिस इज b and this is v and final is c. So v square yani zero, u square and 10 ka square plus 2 into acceleration is minus 2. And x ke badle kya likhu, x ke badle kya likhu? 75. Sir, very bad answer. X2 ना, distance from B to C is X2, distance है ना, therefore X2 is 25 meter. मुझे थोड़ा time लगता है पढ़ने में, लेकिन मैं क्या भागना नहीं चाहता हूँ. Without even a student understanding, धपा धप बढ़ते जाओ, that is not at all good. और आप लोग भी किसी भी टीचर को, मेरे को या किसी भी टीचर को बढ़ने मत दो. The moment you don't understand step, सीधा पकड़ो उसको कि no sir, ये कैसे किया आपने, वो कैसे किया सर आपने, I have not understood this step, that step. आप बोलो, कोई हमको बुरा नहीं लगता, सब टीचर्स आर इक्वली हेल्पफुल. प्रिशा ने लिखी राजा, सेकेंड आंसर अच्छा दिया, वेरी गुड प्रिशा. हाँ? विधि ने दिया कि प्रिशा ने दिया? तो विधि. ओ विधि, ओके वेरी गुड. प्रिशा बोल नहीं रही है.
कॉपी किया आपने कि एक बार बस रूलर मारने की जरूरत है दुक 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 ऐसे? रूलर की जरूरत है क्या? यस नो, यस नो, यस और नो? अरे मारू कि नहीं मारू, बोलो ना। एक भी स्टूडेंट बोलेगा सर मारो रूलर तो मैं मार दूंगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कल इतना बोला यस सर। ओके अभी तुमको तो आ ही रहा है, बाकी लोग आंसर नहीं देते मेरे को। आई डोंट लाइक दैट। हाँ मार्स ने भी अच्छा आंसर दिया। बर्गेस अभी नया है बट आई थिंक बर्गेस विल आल्सो स्टार्ट गिविंग आंसर नया चैप्टर चालू हुआ तो। चलो अगला प्रॉब्लम लिखो, अगला प्रॉब्लम लिखो। अ बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 seconds। And 220 centimeter in next 4 seconds. What is the velocity at the end of 7th second? What is the velocity at the end of 7th second? 7th second में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओके अब यहां पे ना प्लीज नोट वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, इन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। टेल मी क्या ये दिया है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओ बच्चे लोग क्लोज। नो इट इज नॉट गिवन, यू सी डोंट से let us assume body starts from rest. No, that will be become wrong. Wrong. So, अभी situation ऐसी है। जैसे आपकी बार एक मास गाड़ी चला रहा था, मास का ये पता कर रहा है, ये कौन बताएगा मेरे को? One of the best student बताएगा कि इस problem में मास ने ये किया। I want to see it. देखो इसकी गाड़ी थी, ये अंदर मास बैठा हुआ है, और गन चला रहा है, और उसने क्या किया? पहले 200 सेंटीमीटर उसने 2 सेकंड में कवर किए, अगले 220 सेंटीमीटर ऑलराइट उसने 4 सेकंड में कवर किए। सर आई थिंक इट्स रिटार्डिंग। क्या सर? रिटार्डिंग A, B और ये C। हाँ बोलो, क्या बोलो 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 प्लीज। आई थिंक इट इज रिटार्डिंग। नो सर। या बेस्ट, माय गॉड, सुपर सुपर। इट इज, हाउ यू केम टू नो अफीफ रिटार्डिंग? सर बिकॉज इन 2 सेकंड इट्स ट्रैवलिंग 200 मीटर्स बट इन 4 सेकंड इट्स टेकिंग 220। Beautiful, beautiful. I loved it. You will this before this answer, you know, many students do not pick up this particular condition. तो उनको लगता है एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज रिटार्डेशन। अगर 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है तो 4 सेकंड में कम से कम 400, 500, 600 सेंटीमीटर होना चाहिए था। 4 सेकंड में सिर्फ 200 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, मींस इट इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। बहुत अच्छा आफिफ, वन चॉकलेट फॉर यू बिकॉज दिस इज रियली आउट ऑफ बॉक्स यू थॉट अबाउट इट, वेरी नाइस। तो ये है ना, लेट अस से दिस इज वेलोसिटी u। यहाँ पे हमें बोला नहीं गया इट इज एट रेस्ट, मास चला रहा था कुछ वेलोसिटी से, अचानक उसको पता चलता है कि पहले 200 सेंटीमीटर 2 सेकंड में, अगले 220 सेंटीमीटर 4 सेकंड में। तो लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 क्योंकि 2 और 4 6, तो 1 सेकंड और पकड़ो उसके बाद, 1 सेकंड और पकड़ो। तो यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी कितनी होगी? 7 पूछा उन लोगों ने। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोशन फ्रॉम ए टू बी, motion from A to B। क्या क्या मुझे पता है? U पता नहीं है, U is U, F 200 सेंटीमीटर, समय 2 सेकंड, A is let us say A, alright, S U A T, और कुछ दिया है क्या? और कुछ दिया है? So we can find velocity।
velocity, okay, let's say this is VB. Let's say V equal to VB. Which formula for velocity will you get? We have to convert the centimeter into meter. No need. Sab centimeter hai to rehne do na. Ye bhi centimeter to why unnecessary jhagda. Velocity will come in centimeter per second. Khatam. The distance by speed will distance by time will give us the velocity. Wow, pray very bad answer. Dekho main bata do. See, Afif, suppose you travel with 10 meter per second uniform. Now velocity badh rahi hai na ghat rahi hai? All right. Velocity na badhti hai na ghatti hai. So 5 second baad uski velocity kitni hogi? Velocity is neither increasing nor decreasing. So kya hoga? Sir, velocity kitni hogi? 10 meter per second. हाँ तो यहाँ पे तो अभी तुमने खुद ने बोला रिटार्डेशन हो रहा है तो अगर ये यू है तो क्या वी भी यू रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है ना तो डिस्टेंस कैन बी सेड टू बी डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी इन टाइम यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म थोड़ी है दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन और नो रिटार्डेशन अफीफ इज दिस क्लियर और नॉट यस इट्स क्लियर पक्का एकदम 100% ना यस सर हाँ प्लीज ऐसा क्या है बिंदास तुम रॉन्ग आंसर दोगे ना तो कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर लेकिन चुपचाप बैठे रहोगे और देखते रहोगे तो सॉरी यू विल नॉट बी एबल क्वेश्चन करो रॉन्ग तो रॉन्ग सिली तो सिली लेट लेट एवरीबडी फील कि क्या सिली सिली क्वेश्चन पूछता है कुछ नहीं बाकी लोग खुश रहेंगे कि चलो अच्छा हुआ इसने पूछ लिया यार मेरे को भी मालूम पड़ा ऐसा होता है जनरली ऐसा होता है और मैं तो एनकरेज करता हूँ कि तुम लोग पूछो तो ये Clear okay? You cannot find. So, abhi tell me what should I do? Anybody can tell me what should I do? Bolo, bolo. Pehle to bolo na, koi to batao. I suppose apply the formula S equal to UT plus half ET square. S equal to U kitna hai? U is U. Samay kitna hai? T. So, 2U. प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी इज अगेन टू तो टू का स्क्वायर फोर दिख रहा है ना ओके देयरफॉर एस इक्वल टू टू यू हाँ एस का वैल्यू पता है मुझे एस कितना है 200 सो कैन यू से देयरफॉर 200 इक्वल टू टू यू प्लस टू ए देयरफॉर यू प्लस ए इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर वन Now motion from where to where I should take? Can I take motion now from B to C? So now, बहुत important बात बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा ये समझ के. Can I take motion from B to C? अरे ले सकते हैं ना? अरे बोलो ना, motion from B to C. अच्छा B पे velocity can I take? U only. Can I take V पे? This is U, तो ये भी U. No sir. Can I take or no? No, I cannot. I cannot. तो तेरे इसमें best क्या होगा मालूम है? Time कितना मेरे पास? हाँ, आराम से हो जाएगा. Motion from where to where I should take so that u मिले हमको. मुझे यहाँ पहुँचना है, no doubt. लेकिन मुझे u को change नहीं करना है. Anybody? Instead of a b to c, I should not take b to c because b by u is not known. ये unknown है. कोई अभी प्लीज बोलो ना कहां से कहां लेना चाहिए मोशन आई डू नॉट वांट टू टेक बी टू सी बिकॉज बी में यू इज चेंजिंग आई वांट टू मेंटेन सेम यू मोशन फ्रॉम ए टू सी लो मोशन फ्रॉम वेयर टू वेयर ए टू सी कोई मुझे बताएगा ए पे यू क्या है ए पे यू क्या है यू व्हाट इज यू एट ए At A, U is U. Right. S कितना लिखूं और T कितना लिखूं और A कितना लिखूं ये बजरा मुझे भर के बताओ S कितना लिखूं S जल्दी बोलो distance from A to C कितना लिखूं 420 हाँ कितना 420 420 yes your type ओम centimeter सही आंसर समय कितना लिखूं समय 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 6 सेकंड 6 सेकंड दैट्स राइट
A is A because A is unknown. Apply once again the formula S equal to UT. क्योंकि A बदल जाए U नहीं मिलेगा इसलिए हमने वापस से स्टार्ट पे गए हम लोग. S is 420 equal to UT यानी 6U plus half A into 36 and therefore 6U plus 18A equal to 4. So B is and therefore divide by 6 तो क्या आएगा U plus 3A equal to 70. Equation number 2. Solve 1 and 2. Get A equal to. अभी मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करता हूं. चलो कर मेरे को करना पड़ेगा. मैंने करके नहीं रखा. U plus A equal to 100 to subtract तो minus 2a equal to minus 2a equal to 30 a equal to minus 15 centimeter per second square, right? And the u kitna u equal to 115 centimeter per second and motion from A to D, इसको D नाम दे दो. Again apply the formula. तो V at 7 second will be U. 115 minus 15 into 7. Therefore V 7 equal to 115 minus 15 सत्ते 105. And therefore V 7 equal to 10 centimeter per second. That's the answer. एक बार रूलर मार देता हूँ. हाँ ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है. उसके नीचे नहीं दिख रहा आपको. That's okay. देखो ये अच्छा प्रॉब्लम है. पहले A to B लिया. U is U. S is 200. T is 2 second. A is A. V is V. V इसकी जरूरत नहीं है लेकिन. S equal to UT plus half AT square. S is 200. U is U. T is 2. Half A. 2 square 4 तो ये आ गया इक्वेशन 1. A to C क्यों लिया वो समझ में आया आपको क्योंकि B to C लेने पे वेलोसिटी चेंज होती थी. तो U is U, S is 420, T is 6 second, A is